इस काम में आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा और सब्र वाले आदमी ही इस काम को करें ऐसा नहीं कि आज आपने फार्म खोला और आज ही आपको इनकम शुरू हो जाएगी ए, महीने की रोटी एक दिन खाने से गुजारा नहीं होता हर रोज़ रोटी चाहिए उसके लिए आप ब्रीडिंग फार्म बनाएंगे तो आपको रोज़ पैसा आएगा बकरी फार्म हमारी गलती से बंद होता है बकरी फार्म बकरी की वजह से कभी बंद नहीं होगा जो आदमी ये कहता है कि मार्केट की समस्या है वो कुछ करना नहीं चाहता आप सोने के बिस्किट अपने घर में रखिए और किसी को बताइए मत मुझे सेल करना है तो आपका सोना भी नहीं बिकेगा नमस्कार भैया इंडियन फार्मिंग टाइम चल में आपका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों आज हम पहुँच हैं पहुंचे यूपी के नोएडा में यहाँ पर सर ने जो है जमीन रेंट पे लेके यहाँ पर खुद का बकरी फार्म स्टार्ट किया है बेसिकली टाइमेंट ले चुके हैं यहाँ पर बकरी पालन कर रहे हैं पहले इसको शौक के तौर पर स्टार्टअप किया अभी प्रोफेशनली बकरी फार्म चला रहे हैं दोस्तों कैसे क्या सफर रहा किस तरह का अनुभव है क्या क्या समस्याएं को आइए पूरी बात करेंगे सर से नमस्कार सर सर नमस्कार कैसे हैं सर मैं बहुत अच्छा हूँ सर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए कहाँ पे हम खड़े हैं और क्या फाम की लोकेशन वगैरह है देखो हमारा सबसे पहले तो मैं अपना नाम आपको बताना चाहूँगा मेरा नाम अचल और हमारा जो फार्म है बकरी नस्ल सुधार अनुसंधान केंद्र सेक्टर 133 नोएडा पिन कोड 201305 थोड़ा सर अपने बैकग्राउंड के बारे में आप बताइए इससे पहले आप क्या कर रहे थे बकरी पालन से पहले देखिए मैं एक बिजनेस मैन और मैंने पाँच साल पहले अपने हर बिजनेस से रिटायरमेंट ले ली और शौकिया तौर पे सोच रहे थे कि क्या किया जाए तो एक एज के बाद रिटायरमेंट के बाद फार्मिंग सबसे बेस्ट मुझे लगा और वो भी गोट फार्मिंग तो हमने शौकिया तौर पे गोट फार्मिंग स्टार्ट की लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाए तो ये बिजनेस में कन्वर्ट हो गया जी सर बकरी पालन का आइडिया आपको कैसे है मतलब क्या आपको अच्छा लगा बकरी पालन के अंदर कि आपने इसी का चुनाव करा यूट्यूब पे भी देखते थे और बचपन से भी कुछ ऐसा अपने गांव देहात में देखते थे कि बकरी बड़ी फास्ट ग्रोथ करती है बकरी फार्म जो है बहुत फास्ट ग्रोथ करता है तो तभी से मन में था कि कभी तो इसे करेंगे hmm. तो वो अब रिटायरमेंट के टाइम पे इसको हमने कर दिया कितना समय आपको हो गया इसको करते हुए सर आठ महीने आठ महीने पहले जब आपने शुरुआत करी थी इसकी तो जैसा सोचा था वैसा पाया मतलब लाख रुपए की कमाई आपने देखी होगी यूट्यूब वगैरह पे लोगों ने बताया कि लाखों तो क्या इसमें ऐसे आपको निकली कमाई? नहीं यूट्यूब पे हम देखते थे कि लाखों रुपए की कमाई होती है बट हमने उस बात को नहीं माना था हमें ये मालूम था कि कभी भी ऊपर संतरा और नीचे जूस तो सिर्फ जूस की मशीन में ही निकल सकता है लेकिन इस काम में आपको थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा और सब्र वाले आदमी ही इस काम को करें जी ये ढाई से तीन साल के बाद आपको अच्छी इनकम देना शुरू करता है ऐसा नहीं कि आज आपने फार्म खोला और आज ही आपको इनकम शुरू हो जाएगी समय लगेगा इसमें समय लगेगा कितनी बकरियों से आपने शुरुआत करी थी सर थोड़ा बताइए हमने पाँच साउथ अफ्रीकन बोर लाए थे दो ब्रीडर लाए थे और तेरह बाद में हम लोकल बकरी लाए क्यों हमारा मकसद ही बकरी नस्ल सुधार अनुसंधान केंद्र जो हमने बनाया उसमें हमारा मकसद ही है नस्ल का सुधार करना जैसे लोकल बकरी एक साल में 20 से 25 किलो वजन बनाती है जब आप साउथ अफ्रीकन बोर से क्रॉस करवाएंगे ब्रीडर यूज़ करेंगे आप साउथ अफ्रीकन तो उसका जो ग्रोथ होएगी बड़ी फास्ट होगी जैसे लोकल बकरी का बच्चा जो है वो डेढ़ किलो का जन्म लेता है साउथ अफ्रीकन बोर का जो बच्चा जन्म लेता है तो वो साढ़े चार किलो का होता है सबसे पहले तो डिफरेंस यहीं पे बहुत बड़ा डिफरेंस है तीन किलो का तीन महीने के अंदर ये बीस से पच्चीस किलो वजन अपना बना लेता है तो शुरुआत में सर कितना खर्चा आपको आया था बकरी पे कितना आया और शेड पे कितना आया टोटली बकरियों का जो माने तो पाँच लाख अप्रोक्स फाइव लाख रुपीज़ और साढ़े पाँच से छः लाख रुपए हमने शेड पे लगाया जो शेड पे हमने छः लाख रुपए लगाया ये हमारी गलती थी हम सभी सभी बकरी पालक को ये कहना चाहेंगे कि कभी भी शेड पे ज़्यादा खर्च ना करें ज़्यादा बकरी पे पैसा खर्च करें क्योंकि इनकम आपको बकरी देगी आप कच्ची छान डालिए कच्ची छान में बकरियों को पालिए पक्का शेड बनाने की जरूरत नहीं है जब आप बहुत पैसा कमा लें पक्का शेड बनाइए जो मर्जी कीजिए जी जी ब्रीड कौन कौन सी आपके पास में और आपने तीन ब्रीड यहाँ पर क्यों रखी है क्या इसका फ़ायदा है ब्रीड हमारे पास लोकल बकरी में कोई हमने ऐसा चुनाव नहीं किया लेकिन जो हमें मिली लोकल बकरी सस्ते रेट में वो हमने खरीद ली अब हमारे पास तेरह बकरी जो लोकल है तेरह में से अंदाज़ा दस प्रेग्नेंट हैं बोर के ब्रीडर से क्रॉस हैं प्रेग्नेंट हैं वो जो उनका आने वाले बच्चे होंगे वो बोर के बच्चे होंगे तो हम ये लोकल जितनी भी बकरी हैं ये हमने सेल भी करनी है सेलिंग परपज़ के लिए भी है सेलिंग परपज़ के लिए ही रखे हैं जी। बोर हम सेल नहीं करेंगे हम सिर्फ लोकल बकरी जो क्रॉस हुई है बोर से उनको सेल करेंगे शुरुआत में सर समस्या आपको क्या क्या आई थी जैसे आपको इतनी इन्फॉर्म नॉलेज नहीं थी बकरी पालन के बारे में तो समस्या क्या क्या आई आपको कोई समस्या नहीं आई समस्या महसूस करने की चीज़ है अगर हम महसूस करें तो समस्या और हर समस्या का समाधान है सर ये बताइए कि ब्रीडिंग पर्पज़ में ज़्यादा फायदा होता है या फिर ईद परपज़ के लिए फार्म तैयार करने में ज़्यादा फायदा होता है दोनों में फायदा होता है ये चुनाव आपको करना है कि आपको साल में एक बार पैसा चाहिए या आपको रोज पैसा चाहिए अगर साल में एक बार पैसा चाहिए तो ईद पर्पज से आप बकरे पालिए अगर आपको रैकरिंग के रूप में पैसा चाहिए तो ब्रीडिंग का काम कीजिए ब्रीडिंग में भी अगर आपने एक टारगेट बनाया कि मुझे सौ बकरी का फार्म बनाना है Hmm. तो आप सो बकरी मदर गोट होने के बाद आप जैसे जैसे वो बच्चे आते जाएंगे आप उनको सेल करते जाएंगे तो आपको रेकरिंग इनकम आएगी जैसे ये मान के चलिए कि आपको महीने की रोटी एक दिन दे दी जाए तो क्या आपका गुजारा होगा hmm. नहीं मेरी नज़र में तो नहीं होगा ये आपने चुनाव कर अगर आप रोज़ रोज बच्चे बेच के रोज़ रेकरिंग इनकम लेना चाहते हैं तो ब्रीडिंग फार्म खोलिए सर बकरी फार्म आज बंद किए हो रहे हैं जबकि हम देखें चार साल पहले मटन का रेट कुछ और था और आज कुछ और रेट है इसका जो रेट है वो दे दिन, आ, प, दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा गैप है उसके बाद भी कहाँ लैक ऑफ नॉलेज है कहाँ फार्मर गलती करता है या क्या चीज़ ऐसी है जिसके कारण जो गोड फार्म बंद हो जाते हैं बकरी फार्म हमारी गलती से बंद होता है बकरी फार्म बकरी की वजह से कभी बंद नहीं होगा जब हम किसी भी काम को अच्छे से नहीं देखेंगे अच्छे से नहीं करेंगे उसको दाना समय से नहीं खिलाएंगे उसका कोई बकरी बीमार हो गई उसका इलाज हम अच्छे से नहीं करते तो लॉस का मुंह देखना पड़ेगा ये किसकी गलती है जानवर तो बेजुबान है उसको आपने देखना है रोज सवेरे एक घंटा शाम को एक घंटा दीजिए फार्म पे जानवर खुद आपको बताएगा कि मुझे तकलीफ है और आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप घर में बच्चा भी अगर एक छींक फालतू मार देता है तो हम फट से उसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं सर खाने में आप इनको क्या दे रहे हैं हरा चारा भूसा भी थोड़ा सा और 200 ग्राम हम दाना हर बकरी को डेली खिलाते हैं बकरी को जब भी आप दाना डालते हैं और बकरी के साथ में इंटरक्रॉप आप खेती भी करते हैं ना इंटरक्रॉप जी तो उसी तरीके से बकरी के साथ मुर्गी का जो कॉम्बिनेशन है ये इंटरक्रॉप की तरह है बकरी मुर्गी को पालती है मुर्गी बकरी का दाना नीचे गिरा हुआ घास चुग के खा लेती है और वो जो अंडे देती है उस अंडे की वैल्यू जब बाजार में जाके वो बिकता है उसके पैसे से मुर्गी का दाना आता है तो मुर्गी बकरी को पाल रही है और बकरी मुर्गी को पाल रही है डेली क्या आ रही है सर फीड की पर बकरी देखिए कॉस्ट की बात करें तो 200 ग्राम दाना 6 रुपए का चार रुपए की जो हरा चारा आप लगाते हैं तो दस रुपये पर बकरी का खर्चा है चारे का और अभी क्या क्या आपने यहाँ पे लगाए हुए हैं हरे चारे में हमने नेपियर लगा रखा है दशरथ घास लगा रखा है अभी जैसे मौसम आ गया अभी बरसिन लगाएंगे चार महीने पांच महीने बरसीन का चारा इनके लिए हो जाएगा तो अभी तक आपने सर इन आठ महीने में प्रॉफिट लिया है कोई माल वगैरह कुछ सेल करा है। जो प्रॉफिट तो इसी को मानिए ना हमने अभी तक सेल तो किया नहीं है पहली बार हम यूट्यूब बना रहे हैं, सेल करने के लिए और इसको ये सेल करके हम और लाएंगे फिर और ब्रीडिंग आ, आगे ब्रीडिंग इसको बढ़ाते चले जाएंगे अभी टोटल लैंड कितनी है कितनी लैंड पे आपने फार्म बना हुआ है छः हज़ार तीन सौ गज जमीन है जिसको सवा छः बीघे बोलते हैं और इसमें चारा भी लगा रखा है और दो तीन चार फैमिली के लिए घर की सब्जियां भी खूब होती हैं सब्जियां भी लगा रखी हैं ऐसी कोई सब्जी नहीं है जो हमारे फार्म में नहीं लगी है कितना टाइम सर देना पड़ता है आपको इस फार्म को चलाने के लिए दो घंटे एक घंटा सबेरे एक घंटा शाम को और कितनी लेबर रखी हुई है सर आपने एक कपल है हस्बैंड वाइफ 24 घंटे वही रहते हैं वही देखते हैं एक को मौसा कहते हैं दूसरे को मौसी सर ये सच्चाई है कि बकरी फार्म बंद हो रहे हैं लॉस हो रहा है लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि लोग कहते हैं कि इसके अंदर लाखों की कमाई है तो सच्चाई कितनी है सर इसके अंदर देखिए लाखों की कमाई अगर कोई ये कहे कि आज हमने बकरियाँ रखी अगले महीने से हमारे को कमाई आनी शुरू हो जाए वो कमाई दिखती नहीं है एक्चुअल में कमाई होती है लेकिन तुम्हारे खजाने में नहीं आती वो वो तुम्हारे फार्म में जो बकरी ने एक महीना खाया दस रुपए का खाया तीस रुपए की ग्रोथ कर दी तो वो बीस रूपये तो तो और किस तरह से शुरुआत तो करना चाहते हैं लोग कर भी रहे हैं लेकिन मार्केट के लिए बड़ी समस्या आ रही है तो कहाँ से कोई समस्या नहीं है जो जो आदमी ये कहता है कि मार्केट की समस्या है वो कुछ करना नहीं चाहता आप सोने के बिस्किट अपने घर में रखिए और किसी को बताइए मत मुझे सेल करने है तो आपका सोना भी नहीं बिकेगा ये तो बकरी है बकरी जब आप किसी को बकरी या मुर्गी या अंडे के बारे में आप अपने आ, अपने लोकल मार्केट में जब आप बताओगे तभी तो ग्राहक अभी जैसे हमारे यहाँ अंडे होते हैं तीस रुपये का एक अंडा अपने आप लेके जाते हैं हमें कहीं कहना भी नहीं पड़ता मार्केट बताना पड़ेगा लोगों को माउथ टू माउथ चाहता बैनर पैनल लगवाइए चाहे आप प्लैम्पलेट छपवाइए चाहे आप यूट्यूब पर वीडियो बनाइए कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा शुरुआत बिल्कुल बिल्कुल आपको आपके नाम से भी तभी, तभी पुकारा जाता है जब आप किसी को बताते हो अपना नाम जी तभी जी। तो आपके नाम से आपको पुकारेगा कोई अच्छा सर ये बताइए कि अगर कोई गरीब किसान भाई है वो फार्म स्टार्ट करना चाहता है तो कैसे शुरुआत करेगा उसको शुरुआत करनी चाहिए बकरी फार्म की या नहीं करनी चाहिए करनी चाहिए बिल्कुल करनी चाहिए शुरुआत में वो दो चार बकरी रखे जो उसके अपने खेत में घर में थोड़ा सा स्पेस है वहीं पे कोई शेड बनाने की जरूरत नहीं कुछ अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं जो भी उसके घर में आंगन में जो थोड़ी सी जगह है उसमें अपनी बकरी रखे उसी से जब 10 20 50 बकरी हो जाए तो तब उसका शेड डाल दे शुरू में कोई खर्च ना करे सिर्फ बकरी पे खर्च करे थोड़े से शुरू करे तो सर हम देख रहे हैं जो आपका शेड है इसमें आपने बांस की डिवाइडर लगाए हुए हैं बीच में जबकि लोग जो है लोहे की एंगल लगाते हैं या फिर ईट का बना देते हैं तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है या कटिंग हो रही है फार्म पे ये हमने जो बांस के लगाए हैं पहली गलती तो हमने ये की कि हमने लोहे का पूरा शेड बना दिया उस पर साढ़े पाँच लाख रुपए खर्च कर दिया बाद में हमें समझ में आई कि यही हमारा एक लाख रुपए में सारा शेड डल सकता था अगर हम का बनाते हैं तो हमने फिर पार्टीशन ये इसलिए किए कि जो ब्रीडर हैं वो एक पोर्शन में रहें जो प्रेगनेंट बकरी हैं वो एक पोर्शन में रहें जो अनप्रेग्नेंट हैं वो अलग पोर्शन में रहें और जो इनके बच्चे हैं वो अलग पोर्शन में रहें ताकि एक दूसरे को हिट ना करें ये जी अभी सर फ्यूचर प्लान क्या है आपका आगे का फ्यूचर प्लान यही है कि हम लोकल बकरी ला के बोर से क्रॉस करा के और मार्केट में दें ताकि नस्ल का सुधार हो सके एक्चुअल मकसद हमारा बकरी नस्ल सुधार है नाम भी हमारी फर्म का यही है बकरी नस्ल सुधार अनुसंधान केंद्र जी जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाइयों के लिए उसका बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर थैंक यू